बुरहानपुर जिले के ग्राम इच्छापुर में गुड़ी पड़वा नए वर्ष से श्री इच्छा देवी मंदिर पर 9 अप्रैल से नवरात्रि आरंभ हो जाएगी जो 17 अप्रैल तक चलेगी। श्री इच्छा देवी का मंदिर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर हजारों फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और श्री इच्छा देवी का मंदिर 500 सालों पुराना है और श्री इच्छा देवी मंदिर पर चढ़ने के लिए 176 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। माता के साल में 2 मेले भी आते हैं। पहला मेला चैत्र महीने में पूर्णिमा के दिन और दूसरा मेला अश्विन शुद्ध नवरात्रि पर्व पर श्री इच्छा देवी मंदिर पर भक्तों द्वारा मन्नतें मांगने पर मनोकामनाएं और इच्छा पूर्ण होने पर भक्तों द्वारा दी जाती है। भक्तगण बाहर राज्य से आते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, मध्य प्रदेश से लाखों की संख्या में भक्त दर्शन लाभ लेने के लिए पहुँचते हैं और अधिक से अधिक संख्या में महिला पुरुष द्वारा दर्शन लाभ उठाया जाता है। ग्राम इच्छापुर में सरपंच नंदाबाई लक्ष्मण पवार और सचिव विकास महाजन द्वारा साफ सफाई और लाइट की व्यवस्था भी की जाती है। शासन प्रशासन द्वारा भक्तों की सेवा करने में मदद मिलती है। मंदिर परिसर में फूल, पूजा प्रसाद, मिठाई, नारियल, चुनरी और खिलौने, झूले, अन्य दुकानें लगाई जाती हैं। यह जानकारी ट्रस्ट सदस्य संजय पवार ने दी। नवरात्रि तो देखते हैं, क्या आपने कार्य किया गया? नवरात्रि का मेले को देखते हुए इच्छा देवी ट्रस्ट द्वारा 9 तारीख गुड़ी पड़वे से नवरात्रि का मेला आरंभ होगा तो 17 तारीख तक रहेगा। 17 तारीख के बाद में 21 तारीख की जो मन्नतें माँ इच्छा देवी के दरबार में जो भक्त लोग मन्नतें मांगते हैं उनकी निमसाड़ी का कार्यक्रम है। 22 तारीख को मेला है तो इस मेले के पर्व को देखते हुए माँ इच्छा देवी ट्रस्ट द्वारा साफ सफाई, सभी भक्तों के आने जाने की सुविधा, किसी को तकलीफ ना हो, ये कार्य माँ इच्छादेवी ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। हमारे सभी कर्मचारी इच्छादेवी ट्रस्ट के सभी ट्रस्टगण माँ 9 दिन में मेले में सभी लोग उपस्थित रहकर भक्तों की सेवा में लगे रहते हैं ताकि किसी भक्तों को दर्शन करने में तकलीफ ना हो। माँ इच्छादेवी सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करें। विशेष करके जिन लोगों ने माँ की मन्नतें मानी हैं उनसे मेरा निवेदन है कि उपराय 21 तारीख की निमसाड़ी है, जिसको भी आपके बच्चों को किसी का मान माना हुआ हो तो कृपया 21 तारीख को आकर अपनी मन्नतें पूरी करें। क्या क्या व्यवस्था की गई है आपके द्वारा? यहाँ पर साफ सफाई, पेयजल की व्यवस्था की गई है, सब दूर वाटर कूलर लगाए गए हैं, गर्मी के देखते हुए कूलर भी लगाए हुए हैं। सभी यहाँ से भारत तक सब रोडों की साफ सफाई, मंदिर की साफ सफाई, सभा मंडप की साफ सफाई रखी गई है और आए दिन सभी लोग हम इस कार्य में लगे रहते हैं। आपका नाम? संजय पवार, इच्छा देवी ट्रस्ट। प्रवीण चौधरी की रिपोर्ट।